हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AMK संगीत। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारा कीबोर्ड आपके सामने अनबॉक्स करने वाला हूं, जिसके फंक्शन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, कौन कौन से फंक्शन इसमें दिए गए हैं। बहुत ही प्यारा कीबोर्ड है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस प्यारे से बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे। इसमें हमारा छोटा सा कीबोर्ड है यामाहा कंपनी का, जिसका के नाम है PSS F30। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और आपको इस प्यारे से कीबोर्ड को अनबॉक्स करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको यहाँ से कट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें ये सील पैकेज है। चलिए फ्रेंड्स, हमने इसको यहाँ से सील को तोड़ दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको इसको पूरा अनबॉक्स करके दिखाएंगे किस तरीके से। देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा कीबोर्ड है। सबसे पहले इसको अभी हम खोलते हैं फ्रेंड्स और दिखाते हैं आपको एक बेहतरीन कीबोर्ड इसके अंदर दिया हुआ है फ्रेंड्स। देख लीजिए दोस्तों, अभी दिखाते हैं आपको। ये हमारा बेहतरीन कीबोर्ड है फ्रेंड्स, और इसके साथ में कुछ ये पैकेज में निकला हुआ है, अभी इसके बारे में भी बताएंगे। इस बॉक्स को ज़रा इधर रख देते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा कीबोर्ड है, बहुत ही प्यारा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसको इस पॉलीथीन से भी अलग कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी आपको दिखाते हैं इसके बारे में सब कुछ बताएंगे दोस्तों। फ्रेंड्स देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस कीबोर्ड के बारे में समझाने वाले हैं। इसको भी अलग रख देते हैं फ्रेंड्स। तो ये है दोस्तों हमारा एक प्यारा सा कीबोर्ड, जो कि यामा कंपनी का है, PSS F30। जी हाँ दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में अभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसके साथ में ये क्या क्या निकला है, अभी आपको बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको भी देखते हैं खोल के अभी। इसके साथ में हमारा ये एक केबल निकला है दोस्तों। इस केबल का क्या काम है वो भी अभी आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ये हमारा इसमें जो केबल है इसके साथ में निकला हुआ है, ये केबल आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। इस केबल का यूज़ होता है इसको पियानो को प्ले करने के लिए लाइट से, जैसा कि आप लाइट से प्ले करना चाहते हैं तो इस पियानो को लाइट से भी प्ले कर सकते हैं। जैसा कि इसमें एडाप्टर नहीं दिया रहता है, जैसे कि बिजली से एडाप्टर लगा कर प्ले करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें वो एडाप्टर नहीं है, एडाप्टर की जगह ये दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे कि ये फ़ोन वाले सेक्शन में जो आपका जो चार्जर होता है फ़ोन मोबाइल चार्ज करने का, उसमें इसे लगा देंगे और एक साइड पियानो में इसको लगा देंगे। जैसा कि आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा बैक साइड में देखिए, इसमें ये दिया रहता है, इस वाले सेक्शन में इसको हम लगा देंगे और दूसरे वाले इस वाले सेक्शन को उसके फ़ोन वाले चार्जर में लगा देंगे। तो ये कनेक्ट होके बिजली से लाइट से ये प्ले हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये हमारा दूसरा इसमें कनेक्टर दिया गया है, इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम स्पीकर में आउटपुट स्पीकर में दे सकते हैं, जैसे किसी बड़ी स्पीकर में इसको यहाँ से लीड को टच करके स्पीकर में आवाज़ दे सकते हैं दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। और देखिए एक बात और बताना चाहता हूँ, ये सेल से भी बैटरी से भी बचता है फ्रेंड्स, इसमें सेल का भी सिस्टम दिया गया है। देखिए पीछे बैक साइड में दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये इसमें चार बैटरी का सिस्टम दिया गया है। अभी मैं आपको इसमें बैटरी भी डाल के दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास बैटरी अवेलेबल हैं, इसमें चार बैटरी पड़ेंगी, ये पांच हैं लेकिन चार बैटरी में अभी आपको डालकर दिखाता हूं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से प्ले करना है दोस्तों, अभी देखते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें मैं ये बैटरी सेट कर देता हूँ। ये चारों बैटरीज को मैंने इसमें ऐड कर दिया है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ढक्कन को भी ऐड कर लेते हैं इसके साथ में। ये हमारा पियानो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, इस लीड के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले से, और इसके साथ में ये बुक्स और दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बुक्स में ये सारी डिटेल दी गई है कि इस पियानो को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो बाकी आप बाद में देख लेना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पियानो को आपको एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। अभी इसमें मैंने बैटरी लगा दिया है। बैटरी लगाने के बाद इसमें हमारा ये पावर वाला बटन दिया गया है, तो इस पावर वाले बटन को प्रेस करेंगे, जैसे ही तुरंत हमारा ये ऑन हो गया फ्रेंड्स। ये डिस्प्ले दिया है इसमें बहुत ही प्यारा, इस डिस्प्ले को आप देख सकते हैं, ये ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी ये हमारा पियानो मोड पर है, जिसमें कि पियानो की वॉइस दिया रहता है। चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखा देता हूँ एक बार। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बारे में आपको बहुत अच्छी डिटेल्स देने वाला हूं, बहुत अच्छी जानकारी बताने वाला हूं फ्रेंड्स। देख लीजिए, आपका जो ऊपर का जिसमें ये पैनल दिया रहता है, उसके बारे में आपको जो बेसिक फंक्शंस हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं फ्रेंड्स। और जो इसके एडवांस फंक्शन है जो नीचे दिए गए ये वाले इस कीज़ के सारे, तो इसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें ये ऊपर वाले जो बेसिक फंक्शन है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। लेकिन एक बात और दोस्तों, इस पियानो को मैंने 4000 के अंडर में ही परचेज़ किया है ऑफलाइन मार्केट से। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया है, मैंने इसे ऑफलाइन परचेज़ किया है। 4000 के अंदर ही इसको मैंने परचेज़ किया है फ्रेंड। अब देखिएगा, ये हमारे जो इसमें बटन्स दिए रहते हैं, ये हमारे इसमें टोन्स हैं, जो टोटल इसमें मिलाकर 120 टोन्स हैं फ्रेंड्स। तो 120 टोन्स इसमें हमारे कौन कौन से हैं, वो सभी टोन्स तो आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसमें जो मेन टोन्स हैं, जो इंडियन टोन्स के रूप में है, जो इंडियन टोन है वाकई में, वही आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा ये मास्टर, ये मास्टर वॉल्यूम है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसकी आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि इसको हमने, जैसे अभी आपको आवाज़ को चेंज करके दिखाता हूँ मैं फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, 50 नंबर पर ब्रास की आवाज़ है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे हमने 50 नंबर ये हमने लगाया, तो हमारा ब्रास का आवाज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा ब्रश का आवाज़ है, जैसा कि आपने देख लिया है फ्रेंड्स। तो हम इसमें वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो किस तरीके से, ये हमारा मास्टर वॉल्यूम है, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो इससे हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये हमारा 15 पे वॉल्यूम ये डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है, 15 है फ्रेंड्स, देख लीजिए। जिस तरीके से इससे हम माइनस करेंगे, 14, 13, 12, ये घटता ही चला जाएगा। और इसी से हम फ्रेंड्स ऊपर वाले से इसको बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम को। ये हमारा 14-15 तक हो गया फ्रेंड्स। जी हाँ, ये हमारा वॉल्यूम का बटन है, एंड ये फंक्शंस का बटन है। इधर ये पैनल देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे इसमें मेन बात है ये सॉन्ग स्टाइल का जो पैनल है इसमें। तो जैसा कि हमने ये सॉन्ग, अभी हमारा ये पॉइंट है इस जगह है, तो ये रेड वाले सेक्शन में है फ्रेंड्स। इसको रेड वाले सेक्शन में जैसे ही हम इसके बटन को क्लिक करेंगे सॉन्ग स्टाइल वाले को, तो ये हमारा पॉइंट है ये 00 के बीच में आ जाएगा। तो 00 के बीच में आने पर इसमें ये हमारा सॉन्ग स्टाइल दिया रहता है, जैसा कि ये सॉन्ग एंड स्टाइल, ये वाला पैनल हमारा यहाँ तक इसमें ये खुल चुका है फ्रेंड। और जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, देख लीजिए। जैसा कि हमने ये प्रेस कर दिया, तो अब इसमें हमारी वॉइस सेलेक्ट हो गई। हम जैसे हमें कोई वॉइस चेंज करनी है इस पियानो के अंदर, तो हमारी ये वॉइस की जो बटन दिए गए हैं, ये वॉइस के बटन हैं फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी वॉइस इसमें देगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी वॉइस है, ये इंडियन है हमारी। तो कुछ वॉइस आपको मैं इसमें सुना देता हूँ फ्रेंड्स। 46 नंबर पर इसमें हमारा वॉइस है सैक्सोफोन का, देख लीजिए। ये हमने 46 नंबर लगा दिया, तो हमारा सैक्सोफोन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों।
इसके बाद में वॉइस 56 नंबर पर वॉइस है फ्रेंड्स, देख लीजिए 56। इसके बाद में मैं आपको वॉइस सुनाने वाला हूं फ्रेंड्स, इसमें हारमोनियम दिया गया है 75 नंबर पर, देख लीजिए इसमें तीन तरह के हारमोनियम है, वो भी बेहतरीन, देख लीजिए किस तरीके से 75 नंबर पर आपको इसमें हारमोनियम की आवाज़ सुना देता हूं फ्रेंड्स। ये हमने 75 नंबर लगाया है दोस्तों, तो चलिए आपको सुना देते हैं। इसका वॉल्यूम है फ्रेंड्स, इसका वॉल्यूम जो है 15 पर फुल है, इतना ही इसमें फुल आवाज़ होता है फ्रेंड। एंड इसमें नेक्स्ट हारमोनियम है फ्रेंड्स, वो भी देख लीजिए, एंड एक और नेक्स्ट इसमें हारमोनियम है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके बाद में और भी आपको इसमें टोन सुनाने वाला हूँ, उसके बाद में आपको थोड़ा सा इसमें रिदम भी आपको टेस्ट कराऊंगा कि रिदम की आवाज़ किस तरीके से है फ्रेंड्स, देख लीजिए वो भी आपको अभी बता देता हूँ। तो इसके बाद में हमारा सितार है फ्रेंड्स 78 नंबर पर, देख लीजिए, ये हमारा सितार हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद में इसमें शहनाई है फ्रेंड्स 80 नंबर पर फ्रेंड्स, देख लीजिए, जी हाँ फ्रेंड्स इसमें अकॉर्डियन का आवाज़ है 13 नंबर पर, देख लीजिए किस तरीके से है। ये हमारा अकॉर्डियन है फ्रेंड्स इसमें, देख लीजिए। और भी अभी आपको इसमें थोड़ा गिटार का आवाज़ भी आपको सुना देते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से, 16 नंबर पर देख लीजिए, और भी बहुत बेहतरीन इसमें वॉइस हैं फ्रेंड्स, वो भी आपको सुना देता हूँ, कुछ चुनिंदा वॉइस हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए प्लस का निशान दबाएंगे जिस तरीके से आपकी वॉइस बढ़ती चली जाएगी। और देख लीजिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बहुत सारी इसमें 120 हमारी टोटल इसमें वॉइस दी गई हैं जो बहुत ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, और इसमें आपको देख लीजिए फ्रेंड्स एक स्ट्रिंग की आवाज़ है जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है फ्रेंड्स, वो भी 99 पर है, देख लीजिए किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, देख लीजिए आपको दिखा देता हूँ एक बार आपको सुना करके। Thank you.
दोस्तों इसमें कुछ रिदम भी हैं, वो भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी रिदम है इस पियानो के अंदर में। फ्रेंड्स देख लीजिए किस तरीके से ये हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है, लेकिन जब आप रिदम को प्ले करेंगे तो सबसे पहले ये वाला सेक्शन आपको दाबना पड़ेगा, ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट ये यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद में इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो रिदम दिया रहता है 192 से स्टार्ट है फ्रेंड्स, 192। तो इसको हम प्रेस करेंगे, ये हमारा रिदम स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। आप सुन सकते हैं इसमें रिदम की आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, देख लीजिए। और भी देख लीजिए फ्रेंड्स, और भी रिदम आपको सुनाता हूँ फ्रेंड्स, चेंज करते जाइए। टेम्पो होता है ये वाला बटन, इसको प्रेस करके माइनस करके इस टेम्पो को कम कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिदम भी देख लीजिए फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, इसका रिदम का जो यहाँ से फंक्शन बटन प्रेस करके इसका रिदम का वॉल्यूम भी हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ये 15 कर लिया हमने फ्रेंड्स, 15 इसमें लास्ट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये था कुछ आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि मैंने आपको पियानो को अनबॉक्स करके दिखाया। इसको मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया है फ्रेंड्स, ये कम बजट में बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। यदि मेरा कोई व्यूवर्स इसको परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।